सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। सो हायर स्टडीज की इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने वाले हैं। सो उससे पहले हमको कुछ इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेन चीज हम यूज करते हैं वो है बाइनरी नंबर्स। सो बाइनरी नंबर्स मीन्स, सो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम सिंपल जो नंबर्स यूज करते हैं उनका यूज नहीं किया जाता, उसमें हम यूज करते हैं बाइनरी नंबर्स। अगर हम सिंपल जो हम यूज करते हैं नर्सरी वगैरह से हम सीख लेते हैं, वो है हमारे पास डेसिमल्स। सो डेसिमल्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। डेसिमल्स है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो ये कितने हुए, ये हुए 10। और बाइनरी डिजिट्स कितने होते हैं, बाइनरी होते हमारे पास सिर्फ दो, या तो वो 0 होगा या फिर वो 1। सो आज हम ये सीखेंगे किस तरह हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों यूज होते हैं। इससे अगला लेक्चर में वो रिवर्स में आपको दिखाऊंगा कि इसको डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैसे शायद आपको पता भी हो, बट अब इस स्टडीज में हमको हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस पर प्रॉपर फॉर्मूला लगाकर फिर इसको कन्वर्ट करें। वैसे करेंगे तो बाकी पेपर तो ऐसे ही रह जाएगा हमारा। तो इसलिए मैं इस आपको बताने जा रहा हूँ, मैं एक ट्रिक कि कैसे आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सेकंड जो ट्रिक है वो डेसिमल से बाइनरी होगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। बट इस पर हम सिर्फ फोकस करेंगे इस चीज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट बाइनरी नंबर्स में हम देखते हैं कि कोई भी नंबर लिया हमने, पहले मैं इसे इरेज करता हूँ, ये आपको पता चल ही गया होगा। सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक नंबर। पहले मैं सिंपल एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं 1, 1, 1, 1, 1। सो बाइनरी नंबर्स को अगर हम इसको शो करना है कि ये कोई सिंपल डिजिट्स नहीं है, ये कोई 1000 ये वो नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर छोटी सी 2 डाल देते हैं। मीन्स की बाइनरी नंबर्स, मीन्स यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर्स ही यूज हो रहे हैं। तो अब है हमारे पास 4, जिसका हम इंतजार था, वो है हमारी ट्रिक। सो ट्रिक क्या है कि जब अगर तो ये सिंपल डेसिमल्स हैं, सिंपल बाइनरी नंबर्स कह लें, सिंपल बाइनरी नंबर्स हैं, तो फिर तो अगर कोई पॉइंट नहीं है फिर तो ये ऐसे चलेगा 0, यहाँ से शुरू करेंगे और लेफ्ट की तरफ जाएंगे। फिर सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मीन्स ये सभी पावर्स हैं। मैं इसको पावर्स की फॉर्म में लिख के बता देता हूँ आपको। पावर हम किसकी करेंगे, ये हमारे पास बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स मीन्स की बाइनरी नंबर्स मीन्स 2, जिसमें 0 होते हैं या फिर 1 होता है। सो मीन्स यहाँ पर 2 की पावर ही लेंगे। 2 की पावर कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। सो नेक्स्ट क्या होगा इसके पास, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो ये है पॉइंट्स के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल गिनेंगे कि नंबर्स कितने हैं इसके, यहाँ पर लिख लेते हैं n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 है तो यहाँ पर हम कितने लेंगे, हम लेंगे n-1, क्योंकि हम यहाँ 1 से नहीं शुरू कर रहे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम 0 से। तो n-1 क्या हुआ, n-1 हुआ 4। तो मीन्स की 4 डिजिट्स तक लेंगे हम। 2 raised to power 0, 1, 2, 3, 4 बने हुए हमारे पास। सो इसमें क्या करेंगे, ये वाली चीजों को ऐसे ही रहने देंगे, इनके बीच में डाल देंगे हम प्लस, सभी के बीच में प्लस, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी जो भी टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, इधर से देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारी 1, सो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 into 2 raised to power 4। नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट क्या है 1, 1 into 2 raised to power 3। नेक्स्ट फिर से 1 एंड सो ऑन। सो नाउ 2 raised to power 4 means 32 into 1, 32 plus 2 raised to power 3
2 to the 4, 4 to the 8, 8 1 to 1, 1, 2 to the 4, 4 to the 8, sorry, यहाँ पर कुछ गलती हो गई, 2 आना था, 2 to the 4, 4 into 1, 4, and so 2, and 2 raised to power 0, anything raised to power 0 is equals to 1, 1 into 1, 1. तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. तो ये हमारा आंसर. सो 47 रखकर इसको ब्रैकेट में रखेंगे और लास्ट में इसको यहाँ पर डाल देंगे 10. 10 मींस ये कौन सा डिजिट हुआ हमारा, ये हुआ डेसिमल. सो इजी. बट अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दें हम, अगर हम सिंपल डिजिट्स ना हो हमारे पास, हमारे पास हो पॉइंट्स में, अगर ये पॉइंट्स में लिखा हो, सो एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हमारी 1 0 1 0 1 point 1 0 1, ये है हमारा बाइनरी फॉर्म में. सो थोड़ा सा रूल चेंज होगा इसमें, तो चेंज क्या होगा कि सिंपल यहाँ पॉइंट के इधर वाली साइड तो सेम रहेगी जो हमने अभी सीखी थी, तो उसमें क्या था 2 रेस्ट पावर 0 प्लस 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 2 रेस्ट पावर 3, तो ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 रेस्ट पावर 4. अब करेंगे हम पॉइंट के राइट साइड की तरफ, जब ये याद रखनी है कि जब जाएंगे हम लेफ्ट साइड की तरफ तब होंगे हमारे सभी नंबर्स पॉजिटिव, जब जाएंगे राइट साइड की तरफ तब सभी नंबर्स होंगे नेगेटिव. तो प्लस यहाँ पर 2 रेस टू पावर, अब 0 से पीछे जाएंगे, 0 से पीछे क्या होता है माइनस 1, प्लस 2 रेस टू पावर माइनस 2, प्लस यहाँ पर 3 टर्म्स हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 3 टर्म्स आएंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है 1 है तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, थर्ड एंड फोर्थ 0 के साथ होगी खत्म, यहाँ पर 1 1 0 तो ये टर्म भी हो जाएगी खत्म. तो ये जो बची टर्म्स है इनको हम खोल के लिख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 32, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 16. प्लस 2 टू द 4 प्लस 2 रेस्ट पावर 0 1 प्लस ये आ गया हमारे पास और भी. सो ओके, सो 2 रेस्ट पावर माइनस 1, 2 रेस्ट पावर माइनस 1 कितना होगा भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 2, और ये 2 टू द 4, 4 टू द 8, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 8. सो 16 प्लस 4, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, तो ये हो गया 21. सो इसको हम सिंपली प्लस कर लेंगे 1.2 मीन 0.5 प्लस 1/8, 1/8 होता है 0.125, सो इज इक्वल टू, तो सबका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस 0.5 प्लस 0.125, तो ये आ गया 21.625, तो ये हो गया हमारा डेसिमल की फॉर्म. सो आई होप ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आ गई होगी और एग्जाम में आपकी हेल्प भी करेगी. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका उल्टा करेंगे हम एंड डेसिमल्स को बाइनरी में चेंज करेंगे. So, okay, bye.